गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल प्रसाद सूर्यावटी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 का चैप्टर है फिफ्थ व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण। आज इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सारणिकों के अनुप्रयोग क्या हैं, उन अनुप्रयोगों के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सारणी की सहायता से, दो बिंदु तीन बिंदु यदि संरेख हो तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और इसी के अंतर्गत रैखिक समीकरण निकाय को हल करने के जो तरीके हैं उनसे रिलेटेड आज हम रूल रेगुलेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिया है सारणिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सारणिक की सहायता से। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटरमिनेंट फोरम। मान लेते हैं किसी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट्स, उसके जो शीर्षों के निर्देशांक हैं वो x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। या फिर जैसे रूल्स में हमने पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स के रूल में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोज कर दिया जाए रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन निशान चेंज हो जाता है। लेकिन यदि दो, जैसे दो रो या कॉलम आपस में चेंज कर दिया, निशान चेंज हो गया, फिर से दो रो या कॉलम चेंज कर दिया, फिर से निशान चेंज हो जाएगा, तो वापस निशान तो पॉजिटिव हो जाना है। तो या फिर इसको हम यूं लिख सकते हैं हाफ, देखिए यहां x1 x2 x3 ऐसे था, अब इस रो को हमने एक कॉलम बना दिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, एक तरीके से ट्रांसपोज हो गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, ऐसा करने पर इसका जो वैल्यू है, एक्सपेंड करने पर जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, संख्यात्मक मान फिक्स होता है, वही आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करने पर, ये रूल्स में हमने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट, तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। देखो अभी फॉर्मूला बताया गया ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने, यदि कोई थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब उनके थ्रू यदि अपन एक ट्रायंगल क्रिएट करना चाहें तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। मतलब ये हुआ कि हम ट्रायंगल का एरिया निकालें, जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया कहां से, मतलब एरिया जीरो होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, लेकिन वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। कोलिनियर की कंडीशन के लिए क्या लगेगा, क्या मान के चलते हैं, यदि कोई तीन बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख हैं, तो इन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। अतः 1/2 एरिया यही तो है, 1/2 इनटू x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, या फिर ये 1/2 ये है, या तो ये इसे जीरो के इक्वल कर दे या फिर इसे जीरो के इक्वल कर दे, एक ही बात है। जब आपने इसको जीरो के इक्वल किया है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये जीरो के इक्वल किया, तो ये जो 1/2 है ये भी आगे ट्रांसपोज करेंगे, जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो 2 0 चला जाएगा, 2 जो है ये जीरो के अंदर चला जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो केवल ये बचना है, ये जो है सारणिक बचना है, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 0। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आना चाहिए, जीरो। ये संरेख होने का प्रतिबंध होगा, या फिर इसके अकॉर्डिंग करें तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 0। ठीक है, ये संरेख होने का प्रतिबंध। फिर यदि हमें दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण यदि ज्ञात करना है तो इसके लिए भी तरीका यही काम में आना है। क्या करना है, जो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं
हम ये मान लेते हैं कि उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसी रेखाखंड के ऊपर एक तीसरा कोई बिंदु और है जिसके निर्देशांक हम मान ले एक्स वाई। अब जो दो बिंदु दिए गए थे वो एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और तीसरा बिंदु जो हमने माना है वो एक्स वाई हो गया। तो अब ये तीनों बिंदु क्या हो गए, वापस संरेख हो गए, क्योंकि ये जो तीसरा बिंदु हमने माना है ये उसी रेखाखंड के ऊपर तो माना है, तो ये तीनों बिंदु संरेख हो गए। तो वापस हम संरेख होने का प्रतिबंध लगा लेते हैं, तो संरेख होने का प्रतिबंध यही तो है, इसमें थर्ड पॉइंट क्या है एक्स वाई, ये तो माना है आपने, थर्ड पॉइंट जो है एक्स वाई माना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एक्स वाई ये वन हो जाएगा, ये एक्स वन वाई वन वन है, ये एक्स टू वाई टू ये वन है। देखिए एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्लियर हुआ। इसके बाद रैखिक समीकरण निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें फर्स्ट पॉइंट सारणिकों के प्रयोग से, सारणिकों के प्रयोग से समीकरण निकाय को हल करने के लिए क्रेमर जो रूल है वो क्या है, किस प्रकार से समीकरण हल करने में काम में लिया जाता है। देखो यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय है, कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय है, जैसे हम मान लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी, ये समीकरण निकाय हुआ, तो इस अवस्था में क्रेमर रूल से इस समीकरण निकाय का हल होगा x की वैल्यू होगी डेल वन अपॉन डेल तथा y की वैल्यू होगी डेल टू अपॉन डेल, या फिर हम यूं लिख सकते हैं जैसे दसवीं क्लास में हमने रैखिक समीकरणों को हल करने की एक विधि पढ़ी थी जिसका नाम था क्रोश मल्टीप्लीकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, कुछ उसी से मिलती जुलती है, उसी टाइप का प्रोसेस है। x अपॉन डेल वन बराबर y अपॉन डेल टू बराबर वन अपॉन डेल, यहां ये ध्यान रखेंगे कि डेल की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आनी चाहिए, जीरो आते ही देखिए यहां देखिए डेल वन अपॉन डेल x कितना है, डेल वन अपॉन डेल, डेल की वैल्यू यदि जीरो आती है, यहां डेल वन की मान डेल वन की वैल्यू कुछ भी हो जाए, यदि डेल की वैल्यू जीरो हो गई तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनडिफाइन ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब डेल की वैल्यू जो वो जीरो नहीं आनी चाहिए। ये डेल वन डेल टू डेल किस प्रकार से याद करेंगे, तो यहां डेल की वैल्यू होगी ये जो कोफिशिएंट्स है एक्स वाई और ये कॉन्स्टेंट सी वन ये जो है इनके थ्रू डेल डेल वन और डेल टू की वैल्यू निकाल जाएगी। डेल की वैल्यू होती है ए वन ए टू बी वन बी टू ठीक है, डेल वन की वैल्यू जाएगी सी वन सी टू ए वन ए टू और तथा डेल टू की वैल्यू जाएगी ए वन ए टू सी वन सी टू, ये जिस प्रकार से फिर हमने क्या कैलकुलेट किया था उपसारणी में उसी प्रकार से इनको हम एक्सपेंड कर देंगे, ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, यहां पर भी ये गुणा ये माइनस ये गुणा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहां एक विशेष स्थिति और क्रिएट होती है, ये भी हम 10th क्लास में इसके बारे में भी चर्चा कर चुके थे, यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यानी a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के रेशियो के बराबर ना हो तो उस अवस्था में निकाय का जो हल है वो अद्वितीय होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन होगा तथा निकाय जो वो संगत एवं स्वतंत्र होगा, जिक्र किया था कंसिस्टेंट होगा ठीक है, संगत का मतलब कंसिस्टेंट होगा ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो स्वतंत्र होंगे। सेकंड कंडीशन यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but c1 upon c2 is not equal to both ratios, दोनों अनुपातों के बराबर नहीं है c1 upon c2, तो उस अवस्था में समीकरण निकाय का हल संभव नहीं होगा, यानी ये जो समीकरण निकाय है ये एक तरीके से पैरेलल लाइंस को इंडिकेट करेगी तथा इस निकाय ये जो निकाय होगा ये असंगत होगा। संगत और असंगत के बारे में आपको मैंने ये बताया था, जब सॉल्यूशन निकलता है तो संगत होता है, जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो असंगत होता है, तो यहाँ सॉल्यूशन फर्स्ट कंडीशन में सॉल्यूशन हो रहा है समीकरण निकाय संगत हो गया, सेकेंड कंडीशन में सॉल्यूशन संभव नहीं है पॉसिबल नहीं है, तो इस अवस्था में
समीकरण निकाय जो वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़े। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों ही अनुपात बराबर हो तो निकाय के अनंत हल होंगे। अब सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब समीकरण निकाय संगत तो होगा, ठीक है, समीकरण निकाय संगत तो होगा परंतु स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है, क्यों, कोइंसाइड हो जाएंगी इस अवस्था में ये रेखाएं, क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड, संपाती। क्लियर हुआ। रैखिक समीकरण निकाय का हल के अंतर्गत इसी में हमने लिया था सारणिकों के प्रयोग से, क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल करने में हम दूसरा जो पार्ट है तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। तो तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने का तरीका क्या है, मान लेते हैं समीकरण निकाय है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, तथा a3x + b3y + c3z = d3। ये तीन चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय है। तो क्रेमर नियम से इसका हल होगा x = del1/del y = del2/del और z = del3/del, या फिर इसे भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x/del1/y/del2/z/del3/1/del। यहां पर भी ध्यान रखा जाएगा कि डेल की जो वैल्यू वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ डेल वन, डेल टू और डेल थ्री, इनकी वैल्यूज किस प्रकार से आएगी, डेल बराबर होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए ये आपको याद रख लेना है, इसी के थ्रू ये जो डेल वन डेल टू डेल थ्री है ये आसानी से याद किए जा सकते हैं। डेल वन में क्या जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दिया, बाकी के दोनों कॉलम सेम के सेम है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए b1 b2 b3 c1 c2 c3 सेम है, फर्स्ट कॉलम को जो रिमूव किया है वो किससे रिमूव होगा, भाई जो कोफिशिएंट्स की बात करते हैं a1 b1 c1, तो a1 b1 ये तो आ ही चुके हैं, देखो a1 b1 c1 ये आ चुके हैं। अब इसके बाद बचा हुआ क्या है, d1। तो फर्स्ट कॉलम जो रिमूव किया वो किससे रिमूव हो जाएगा, d1 d2 d3 से रिमूव हो जाएगा। तो d1 d2 d3, ठीक है, del1 = क्या हो गया, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें क्या किया था, पहली जो डिटरमिनेंट अपने पास था उसमें से उसका पहला कॉलम जो है वो रिमूव किया, ठीक है, किससे, उसकी जगह क्या आ गया, d1 d2 d3 आ गया। अब डेल टू की जो वैल्यू है, पहला कॉलम आप रिमूव कर चुके हो, अब ये दूसरा कॉलम रिमूव करेंगे, b1 b2 b3 वाला कॉलम रिमूव करेंगे, बाकी यूं करें, देखिए a1 a2 a3 है, ये रहा a1 a2 a3, c1 c2 c3, ये रहा c1 c2 c3, दूसरा कॉलम रिमूव कर दिया किससे, उसी d1 d2 d3 से, तो दूसरे कॉलम की जगह d1 d2 d3 आ गया। डेल थ्री में क्या जाएगा, फर्स्ट डिटरमिनेंट में से हम पहला कॉलम हटा चुके हैं, दूसरा, अब तीसरे का नंबर, तीसरा हटा देते हैं, ये c1 c2 c3 हटा देते हैं और बाकी के दोनों यू के यू, और तीसरा कॉलम किससे रिमूव हो जाएगा, देखिए दोनों कॉलम यू के यू है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, तीसरा हो गया किससे रिमूव, d1 d2 d3 से रिमूव हो गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से डेल, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे और वो वैल्यूज हम यहाँ पुट अप करके एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालेंगे, यानी तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करेंगे। यहां पर भी एक विशेष स्थिति बनती है, देखिए यदि डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय जो संगत होगा तथा निकाय का हल एक अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड कंडीशन में यदि डेल इज इक्वल टू जीरो, डेल की वैल्यू जीरो है और डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों ही किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, समझिए डेल की वैल्यू कितनी हो, जीरो हो, डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो के इक्वल हो, तो समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही
सिचुएशंस हम कहेंगे, और यदि निकाय यहाँ संगत, इसे हम संगत कहेंगे तो इसके अनंत हल होंगे। देखो आपको क्या कहा था कि सॉल्यूशन निकलते हैं तब संगत होता है, सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं तब असंगत होता है। तो यहाँ देखिए समीकरण निकाय संगत या असंगत हो सकता है, संगत या असंगत हो सकता है। तो संगत कब होगा? यदि सॉल्यूशन निकलेंगे। असंगत कब होगा? यदि सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो आगे क्या कह रहा है, यदि निकाय संगत है तो उसके अनंत हल होंगे, यानी इस सिचुएशन में यदि आप इसे संगत कह रहे हैं तब तो अनंत हल हो जाएंगे, और यदि आप इसी को असंगत कह रहे हो तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। यदि डेल, थर्ड क्वेश्चन है, यदि डेल इज इक्वल टू जीरो तथा डेल वन डेल टू डेल थ्री में से कोई एक है शून्य हो, कोई एक डेल वन डेल टू डेल थ्री में से कोई भी एक जो हो ए शून्य हो, यानी दो की वैल्यू शून्य हो सकती है, कोई एक शून्य नहीं है, शून्य के अलावा कोई वैल्यू निकलती है, तो उस अवस्था में समीकरण निकाय जो है वो असंगत होगा, और इस स्थिति में निकाय का हल संभव नहीं होगा, क्योंकि डेल यहाँ जीरो हो जाता है, डेल जीरो होती है, डेल कहाँ आता है, देखिए नीचे आता है डेल, यहाँ देखिए डेल वन अपॉन डेल, डेल टू अपॉन डेल, डेल थ्री अपॉन डेल, नीचे डेल जिसकी वैल्यू जीरो आती है क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो उस अवस्था में इसका कोई हल मौजूद नहीं होगा। तो ये थे कुछ रूल रेगुलेशंस किससे संबंधित, कि जो समीकरण निकाय आपको दिया जाएगा उसे हल करने से संबंधित क्रेमर रूल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन से संबंधित जो वीडियो है वो अपन आगे लेके आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।